तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए आज हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के ऊपर। और देखो, मैंने बहुत पहले आपके पास मल्टीवेगर स्टॉक करके एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले आपसे अपडेट किया था, कुछ महीने हो गए होंगे, कि ये स्टॉक ना 25 रुपये के रेंज तक आएगा। डेफिनेटली आया भी 25 रुपये के रेंज तक, और वहाँ से देखो आपका सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। 25 रुपये 14 पैसे के रेंज तक आया ये स्टॉक। मुझे लग रहा है कि 25 रुपये को टच किया है। हाँ, 25 रुपये को टच किया ये इस स्टॉक ने। और देखो अपर सर्किट लगा है, बहुत अच्छा पैसा कुछ ही टाइम के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया भी लोगों को, 12% का रिटर्न बना करके दिया। क्या ही चाहिए आपको? तो दोस्तों ये ना, ये सिस्टम को अगर इतना नीचे मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। इस लेवल पे 25 रुपये के लेवल पे जो लोग बाय किए होंगे, आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा ये स्टॉक उन लोगों को। अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होता है आप हमें कमेंट करके, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है? लेकिन समय लग सकता है और बहुत जल्द आपके पैसे को दोगुना करके देगा ये स्टॉक, जो 25 रुपये के रेंज में बाय किए होंगे। बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो 25 रुपये के रेंज पे बाई करना अच्छा था, अच्छा है। मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया हूँ घर पे काम होने की वजह से, बट बीच बीच में मैं अपडेट देता रहा हूँ कि ये स्टॉक किस लेवल तक जा सकता है, और गया भी, देखो हाई भी, और इसमें अपर सर्किट भी लगा और बहुत लंबा एक कैंडल बना करके ऊपर क्लोज हुआ है, अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में है अपॉर्चुनिटी है इसी स्टॉक में पैसा बनाने के लिए, लेकिन समय लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक होगा, कब तक हमें पैसा बना करके दे सकता है ये स्टॉक, ठीक है? बट अभी समझ सकते हो जैसे कि ये स्टॉक ना अपर और डाउन, अप्स एंड डाउन, लोअर लो वाले सर्किट में है। बट जब ये स्टॉक ना, कोई भी स्टॉक जब एक रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट करती है, कैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ कि जब स्टॉक ऐसे करके आ रहा है, आ रहा अपर अपर लोअर लोअर अपर लोअर अपर, फिर ऐसे करके एक रेंज बना ले, तो समझ लो ये बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। कुछ स्टॉक ऐसे करके आते हैं फिर ऐसे करके यहीं से ऊपर हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो ये अच्छा पॉइंट था इस स्टॉक को यहाँ बाय करने का। बाकी मैं फंडामेंटल आपको दिखलाता हूँ इस। तो दोस्तों ये यान बनाती है कंपनी, आपको तो पता ही होगा, और केमिकल सेक्टर का स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, अभी पेपर में काम कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही है। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही बढ़िया है, और देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर 72% की है, बहुत अच्छा माना जाता है 72% की होल्डिंग, ठीक है? और लार्ज कैप का स्टॉक बन चुका है, 14,243 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो चुका है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देगी, 10.29% की। तो ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली अपने वो पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो। पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट नतीजे देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बुरे नहीं, अच्छे हैं। दिसंबर वाले क्वार्टर में 274 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, और 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा आ रहा प्रॉफिट। अगर हम लोग ईयरली बेस पे चेकआउट करें, देख सकते हो TTM में 1,015 करोड़ का आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2022 में 1,520, 2021 में 826, सॉरी 826, 2020 में 846, तो अच्छे रेंज थे। और अगर ये स्टॉक ना, सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ कंपनी की, 2% TTM में चल रहा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 72.94% की होल्डिंग, थोड़ा सा ना डाउन हुई ना अप हुई है, मतलब एक रेंज में है, अच्छा है। और गवर्नमेंट के पास स्टेक तो नहीं है, 22% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, जिस दिन ये स्टॉक ना TTM अच्छा आ गया, समझ लो TTM में क्वार्टर ईयरली बेस पे TTM अच्छा आ गया, यानी अगला क्वार्टर
2023 वाला क्वार्टर बहुत अच्छा बना दी कंपनी ने, तो समझ सकते हो बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है इस स्टॉक को। ये स्टॉक इस रेंज में मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इस स्टॉक को यहाँ रहना ही मतलब मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर से कितना परसेंट टूट चुका है स्टॉक, ऊपर के लेवल से ये टूट चुका है 60% करेक्शन आ चुकी है स्टॉक अंदर, ठीक है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी अगर 25 रुपये के लेवल में एडजस्टमेंट की हो तो ठीक है, बट अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। अभी भी ये स्टॉक कहाँ आ सकता है, अभी भी ये स्टॉक आ सकता है इस लेवल में 22 रुपये के रेंज तक, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ तो डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे इसका 17 रुपये की प्राइस में। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 17 रुपये के रेंज में आएगा, क्योंकि इसका TTM क्वार्टर TTM वाला जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा, कम है। 2022 का अच्छा प्रॉफिट है बट TTM में थोड़ा सा कम है, इस वजह से हो सकता है अगर मार्च वाला क्वार्टर अच्छा नहीं आया स्टॉक का, अगर अच्छा आ गया तो समझ लो रॉकेट बन जाएगा, अगर अच्छा नहीं आया तो ये स्टॉक आपको कहाँ का रेंज दिखला सकता है, ये रेंज दिखला सकता है आपको 16 रुपये का रेंज तो पक्का दिखलाएगा अगर मार्च वाला क्वार्टर अच्छा नहीं आया तो।